खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत दहेगांव रंगारी के काकड़े लेआउट में गीतेश रामदास मानकर उम्र 29 वर्ष, इनके घर में मंजले भाई सतीश रामदास मानकर उम्र 33 निवासी वलनी वेकोली कॉलोनी ने चाकू से गला चीरकर हत्या की। यह घटना गुरुवार की दोपहर 12 बजे के दरमियान हुई। मृतक गीतेश मानकर यह माता और पिता के साथ दहेगांव में रहता था। उसका मंजला भाई आरोपी सतीश मानकर यह वलनी की वेकोली कॉलोनी में और सबसे बड़ा भाई जगदेश रामदास मानकर उम्र 36 वर्ष यह खंडाला तहसील पारशिवनी में रहता है। मृतक गीतेश का दहेगांव रंगारी में ही एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध थी। दोनों शादी करना चाहती थी। लड़की नाबालिग होने से इस शादी को सतीश का विरोध था। गुरुवार की सुबह नाबालिग युवती का जीजा दो साथीदारों के साथ गीतेश के घर पर आया। घर आने के बाद जीजा ने अपने नाबालिग साले से दूर रहने की नसीहत दी, वरना पुलिस कंप्लेंट कर फंसाने की धमकी दी। उनके जाने के बाद गीतेश और सतीश दोनों ने मिलकर घर में दारू पी। इसके पश्चात गीतेश चाकू लेकर नाबालिग युवती के जीजा को मारने के लिए निकल गया। तब सतीश ने गीतेश को रोका। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ। गीतेश घर से बाहर ना जा पाए, इसलिए सतीश ने गीतेश को पकड़कर घर में एक कमरे में बंद कर दिया। दोनों में काफी विवाद हुआ तो वही बड़े सत्तर से सतीश ने गीतेश का गला चीरकर हत्या कर दी। गीतेश की मौत के बाद सतीश ने रूम का दरवाजा खोला और हॉल में आकर लेट गया। गीतेश की मां ने हत्या की जानकारी बेटे जगदीश को दी। जगदीश ने दोपहर को 2 बजे पश्चात पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। खापरखेड़ा पुलिस और स्थानिक अपराध शाखा की वीरेंद्र नडर की टीम घटनास्थल पहुंची। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल पहुंची। एडिशनल SP राहुल माकनीकर, DYSP मुख्तार बगबान, थानेदार पुंडलिक भटकर घटनास्थल पहुंचे। PSI प्रीतम निमगड़े ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खापरखेड़ा पुलिस ने घटनास्थल से सत्तूर जब्त कर आरोपी सतीश मानकर को हिरासत में लिया। आरोपी की पत्नी ने आरोपी के हाथ से सत्तूर लेकर उसे पानी से धोकर घटनास्थल पर रख दिया था। बता दें कि आरोपी को एक बेटा और एक बेटी है। BCN न्यूज के लिए दहेगांव रंगारी से अरुण महाजन की रिपोर्ट।